नेक्स्ट टर्म है अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। एक हो गई लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जो आपने बोरो करे पैसे। एक हो गई डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। नेक्स्ट है अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। अगेन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नॉट इन कोर्स, जस्ट रीड वंस और पता होना चाहिए कि प्लेस कहाँ हो रहा है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज अदर देन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आर क्लासिफाइड और शोन एज अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। क्या क्या आ सकता है उसमें? ट्रेड पेबल्स। अब नॉर्मली कुछ मेंशन नहीं है, सिर्फ ट्रेड पेबल्स लिखा है। ट्रेड पेबल्स तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल होते हैं। कुछ मेंशन नहीं है, तो दे विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज अ करंट लाइबिलिटी। अगर सिर्फ लिखा है ना ट्रेड पेबल्स 5 लाख हैं और टेन्योर मेंशन नहीं है कि कितने टाइम में देने हैं, दे विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज अ करंट लाइबिलिटी। लेकिन अगर स्पेसिफाइड है ट्रेड पेबल्स टू बी पेड विद इन 24 मंथ्स, आपकी ऑपरेटिंग साइकिल गिवन नहीं है, तो 12 मंथ्स लेंगे हम, तो आपके पास 2 ईयर्स का टाइम है, तो वो करंट आइटम हुआ या नॉन करंट? तो वो नॉन करंट लाइबिलिटी हो गई। अब नॉन करंट लाइबिलिटी हो गई ट्रेड पेबल्स। क्या मैंने उनसे कोई लोन बोरो किया हुआ है? नहीं, मैंने उनको क्रेडिट पे, मैंने उनसे क्रेडिट पे सामान खरीदा है, मैंने पैसे बोरो नहीं करे, तो वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में नहीं आते, वो एक सेपरेट कैटेगरी में चले जाते हैं अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में। तो दोज ट्रेड पेबल्स विच आर टू बी पेड इन मोर देन ऑपरेटिंग साइकिल, इन मोर देन वन ऑपरेटिंग साइकिल, वो आते हैं यहाँ पे। कोई डाउट? और अदर्स ट्रेड पेबल्स इफ अग्रीड टू बी सेटल्ड आफ्टर 12 मंथ्स। एक तो ट्रेड पेबल्स हो गए, कौन से ट्रेड पेबल्स? नॉर्मल रूटीन नहीं, ओनली इफ दे आर टू बी सेटल्ड आफ्टर 12 मंथ्स, तो वो यहाँ पे आएंगे। और अदर एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे? प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स क्या मतलब होता है? रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स, रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स। अब जैसे मैंने क्या बताया, डिबेंचर्स एक टर्म के लिए बोरो किया जाता है पैसा, इशू जो करें 5 साल के डिबेंचर्स थे, और डिबेंचर्स जो आपने इशू करे ना उसमें जो प्रोविजन था, उसमें आपने एग्रीमेंट साइन किया कि जो रिडेम्पशन होगी ना प्रीमियम पे होगी। अब मैं आपको टर्म बता चुका हूँ, प्रीमियम। प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा पेमेंट। जब शेयर्स इशू होते हैं प्रीमियम पे तो कंपनी का फायदा हो रहा है, जब डिबेंचर्स रिडीम होंगे प्रीमियम पे तो उस केस में कंपनी को एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, कंपनी का नुकसान है। कंपनी ने डिबेंचर्स, मैंने आपसे लोन बोरो करा 10 लाख का, डिबेंचर्स इशू करे मैंने आपको 10 लाख के, और बोला जब 5 साल के बाद वापस करूंगा ना तो 5% प्रीमियम पे करूंगा, आपको 10,50,000 दूंगा। तो एक तरह से मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ मुझे लोन देने के लिए। कंपनी को प्रीमियम कब देना पड़ेगा? जब उनको लोन इजीली ना मिल रहा हो, तो दे सकते हैं प्रीमियम पे, रिडेम्पशन प्रीमियम पे। पॉइंट वन है, दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? दे सकते हैं, बट अगर देंगे तो पता है ना कंपनी को कि 5 साल के बाद एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। तो जब आपको पहले से ही पता है कि 5 साल के बाद या जब भी डिबेंचर्स की टर्म खत्म होगी तब आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस कहता है प्रोवाइड फॉर ऑल द पॉसिबल लॉसेस, पहले से प्रोविजन क्रिएट करके चलो। तो जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स है, एक्स्ट्रा पेमेंट है कि नहीं है? इट इज अ लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म या करंट या नॉन करंट, क्योंकि जब डिबेंचर्स रिडीम होंगे तब होगा ना, तो वो कहाँ चला जाता है? अदर। अब क्या वो पैसे मैंने बोरो करे हैं? पैसे तो मैंने 10 लाख बोरो करे हैं, तो इसलिए वो बोरोइंग्स में ना जाके सेपरेटली शो कर रहे हैं, कहाँ पे? अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में। समझ आया ना टर्म प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन? और प्रेफरेंस शेयर्स पे भी अगर प्रीमियम है, तो नॉर्मली इक्विटी शेयर्स तो इरिडीमेबल होते हैं, बट एक कैटेगरी होती है प्रेफरेंस शेयर्स, वो भी रिडीमेबल होते हैं कि कंपनी ने बोला कि 10 साल के बाद हम आपके पैसे वापस कर देंगे, तो अगर उन पे कोई रिडेम्पशन है, उन पे कोई प्रीमियम है, तो वो भी आपके लिए लॉस है, आपको पहले से प्रोविजन क्रिएट करके चलना पड़ेगा। कहाँ शो करेंगे? अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में। माई एडवाइस, जस्ट रीड वंस, इसको बिल्कुल इग्नोर मत करना। दो तीन आइटम है, ट्रेड पेबल्स इफ पेबल आफ्टर 12 मंथ्स तो आएंगे यहाँ पे, और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स भी, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी। कहाँ आता है? अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। कोई डाउट?